सो हाय एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टू कैंडल मिलके जो पैटर्न बनाते हैं, जिसमें कि मैं यहां पे जो छह कैंडल के बारे में बता दिया था, जो कि चार कैंडल और मेरा बचा हुआ था, जिसमें कि पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर और यहाँ पे ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम बचा हुआ था, जो कि मैं आज के इस वीडियो में सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर करने वाला हूँ। जो कि ट्वीजर टॉप जो है कहाँ पे बनता है, इसका क्या कंसेप्ट है, जो है पियर्सिंग लाइन कैसे काम करता है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सारा कंसेप्ट जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टू कैंडल मिलकर जो फॉर्म करते हैं उसमें से यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अगर आपने पहले वाला जो एपिसोड है यानी एपिसोड नंबर 3 आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। उसमें मैंने यहाँ पे जो है ब्लू सरामी और बेरी सरामी के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, जो कि ये टू कैंडल में क्यों फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ब्लू सिंगल फिंग और बेरी सिंगल फिंग, इसके बारे में भी मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ब्लू स्टिकर और बेरी स्टिकर के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आपको जो आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सारा कंसेप्ट जो टू कैंडल मिलकर जो भी यहाँ पे छह कैंडल में मैंने बताया है उसको यहाँ पे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे चार कैंडल और बच गया था जो कि मैं आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि सबसे पहला यहाँ पे पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पियर्सिंग लाइन को आखिर होता क्या है, इसको कैसे समझेंगे, यानी जो चार्ट पे जो बनेगा इसको कैसे आपको पता चलेगा कि ये पियर्सिंग लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि देखें, यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल में जो है एक लाइन बीच में ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पियर्सिंग लाइन जो होता है वो एक बुलिस यानी बुलिस कैंडल है, जो कि यहाँ पे आपको बॉटम पे दिखेगा बनते हुए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जैसे ही पियर्सिंग लाइन बन जाएगा तो यहाँ से ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर जाएगा। बट अगर ये जो बुलिस यानी बेरिश में तो बनेगा डार्क क्लाउड कवर यानी टॉप पे बनेगा, यानी ग्राफ के टॉप पे जैसे ही बन गया यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर, तो ये यहाँ से मार्केट का ट्रेंड नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, इसका कंसेप्ट आखिर क्या है। तो सबसे पहले ये पहला कंसेप्ट ये है कि ये यानी बॉटम में बनना चाहिए यानी ग्राफ के नीचे बनना चाहिए, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि पहला कैंडल जो है रेड बनना चाहिए, चाहे ये बड़ा भी हो या छोटा भी हो। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे बड़ा लिया, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये बड़ा रहना चाहिए, ठीक। बट दूसरा कैंडल जो बुलिश कैंडल रहना चाहिए, जो कि ग्रीन कैंडल रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में एक यहाँ पे लाइन बीच में ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि रेड कैंडल में प्राइस जो होता है ऊपर की ओर ओपन होता है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंडल का प्राइस 100 में ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने क्लोज जो हुआ इसका कैंडल का प्राइस यहाँ पे 80 में जाकर के ये क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि अगले कैंडल यानी अगले ग्रीन कैंडल का प्राइस जो है नीचे इसके नीचे जाके क्लोज होना चाहिए, ठीक है, यानी गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 100 में तो ओपन हुआ बट 80 में क्लोज हो गया। बट यहाँ पे देखिए ट्रेंड तो कंटिन्यू है यानी मार्केट का ट्रेंड नीचे आ रहा है। बट यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल का प्राइस जो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है 60 रुपया लिख देता हूँ, ठीक है, यानी गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, इतना आपको गैप रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी गैप रहेगा चलेगा, लेकिन वॉल्यूम का भी खेल होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गैप डाउन देखना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ग्रीन कैंडल का प्राइस जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो है लिख लेता हूँ 90 रुपया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि ये पहले बॉटम में बनना चाहिए यानी ग्रीन यानी ग्राफ के नीचे बनना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये पहला कैंडल जो रेड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपको जो एग्जाम्पल लिया हूँ यानी यह लाइन जो दिख रहा है इस लाइन का मतलब क्या होता है, यानी ये जो कैंडल है इस कैंडल के बीच में आपको एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो भी रेड कैंडल है जैसे यहाँ पे इस तरह से आपको पैटर्न से बनता हुआ दिख रहा है, तो देखना है अगले कैंडल यानी अगले ग्रीन कैंडल का जो प्राइस है रेड वाले कैंडल से यानी 50% से जाकर के ऊपर जाके इसको क्लोज होना चाहिए, ठीक है। यही कंसेप्ट इसका ये है कि यानी रेड वाला कैंडल का जो भी यहाँ पे 50% यानी जो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगले कैंडल का प्राइस यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मान लीजिए ये कैंडल जो है रेड छोटा सा बन रहा है आपको देखने के लिए, ठीक है, और दूसरा कैंडल यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना सा दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, 50% में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि इस कैंडल का जो प्राइस है, इस कैंडल का जो 50% आधा भाग है, इसके आधा भाग से ऊपर जाके अगले कैंडल का प्राइस
यानी क्लोज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो है डार्क क्लाउड कवर में जो कि ग्रीन कैंडल पहला रहना चाहिए, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये है कि ये ग्राफ के टॉप पे बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है कि पहला कैंडल ग्रीन रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ ग्रीन कैंडल है तो प्राइस इसका नीचे ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 100 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल का जो प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 120, ठीक है। 120 यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि प्राइस जो है 100 में ओपन हुआ, बट यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग था जो कि 120 तक ले गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग मिल रहा है, यानी ट्रेंड तो कंटिन्यू है, ठीक है, यानी ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है, बट यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 140 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये पिछला जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का जो भी 50% भाग है, यानी ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन के नीचे अगले कैंडल का प्राइस अगर क्लोज होता है तो इसको हम डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे है। सबसे पहले मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ, बुलिश कैंडल यानी पियर्सिंग लाइन में, ठीक है। पियर्सिंग लाइन में पहला कंसेप्ट ये है कि ये ग्राफ के नीचे बनना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये कैंडल जो है रेड बनना चाहिए पहला कैंडल, तीसरा कंसेप्ट ये है कि उसके बाद ये कैंडल जो है ग्रीन रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंड कंसेप्ट ये है कि यानी सबसे लास्ट कंसेप्ट ये है कि ये जो रेड कैंडल का 50% भाग है, ग्रीन कैंडल का प्राइस इसके 50% से ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। सिमिलरली आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल यानी जो डार्क क्लाउड कवर में पहला कंसेप्ट ये है कि ये ग्राफ के टॉप पे बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट भी पहला कैंडल ग्रीन रहना चाहिए जो कि है। उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल अगर बन रहा है तो रेड कैंडल जो बन रहा है, ग्रीन कैंडल का जो भी 50% भाग है उसके नीचे जाके रेड कैंडल का प्राइस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110, ठीक है। तो यहां से देखिए कि प्राइस ट्रेंड तो कंटिन्यू था, बट यहाँ पे ऊपर ट्रेंड जा रहा था, बट यहाँ पे सेलर्स जो है कंट्रोल में था, जो कि प्राइस नीचे लेके आ गया। और जिस जैसे ही ये कैंडल आपको बनते हुए देखेगा तो वहां से ट्रेंड नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ में कैसे दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर कैसे ग्राफ में बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पियर्सिंग लाइन जो कैंडल है कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ग्राफ में बनते हुए दिखेगा, जो कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बन रहा है, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये खत्म यानी क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि पहला कैंडल जो रेड होना चाहिए, ये चाहे बड़ा हो या छोटा इसे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इसके 50% में एक मैंने लाइन ले लिया। उसके बाद अगले कैंडल को जो देखना है आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बुलिश कैंडल होना चाहिए। ट्रेंड देखिए यहाँ से कंटिन्यू है, यानी ट्रेंड नीचे की ओर आ रहा है, बट यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके बाद इस कैंडल का प्राइस जो है रेड कैंडल का जो भी 50% बनाया है, इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होता है, तब यहाँ से जो है बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेंड जो है अप की ओर जा सकता है। तो यहाँ से आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, तो इसके बाद एंट्री जो लेना है इस कैंडल को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगले कैंडल का प्राइस जहाँ पे क्लोज होता है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा, जो भी पिछले कैंडल ने लो बनाया था, जैसे कि ये यहाँ पे पियर्सिंग लाइन में ग्रीन कैंडल ने लो बनाया था, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है, लगा देंगे। उसके बाद आप तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं जब तक कि ट्रेंड अप की ओर है, ठीक है। जैसे ट्रेंड रिवर्स होता है तो वहाँ से आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि डार्क क्लाउड कवर जो ग्राफ में किस तरह से आपको बनते हुए दिखेगा। तो डार्क क्लाउड कवर जो ग्राफ में यहाँ पे टॉप पे बनते हुए दिखेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट यह क्या है, डार्क क्लाउड कवर जो है अप ट्रेंड में बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है कि बुलिश कैंडल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल पहला होना चाहिए, ठीक है, जो कि देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कंसेप्ट यह है कि गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे ओपन होता है, उसके बाद ऊपर जाके क्लोज होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ट्रेंड तो कंटिन्यू है, लेकिन ट्रेंड ऊपर में ही जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 में ये प्राइस क्लोज हुआ, तो अगले कैंडल का प्राइस जो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 120 में जाकर के ओपन हुआ रेड कैंडल का, ठीक है। तो इस तरह से आपको गैप अप ओपनिंग आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे यानी चौथा कंसेप्ट यह है कि बेरिश कैंडल रहना चाहिए, यानी इसके अगले कैंडल जो है रेड वाला कैंडल रहना चाहिए, जो कि बेरिश कैंडल है, ठीक है। उसके बाद पांचवा कंसेप्ट यह है कि क्लोज बिलो 50% प्रीवियस डे बुलिश कैंडल, ठीक है। इसमें बता रहे कि ग्रीन कैंडल जो भी इसका 50% है, 50% से रेड वाले कैंडल का प्राइस नीचे जाके क्लोज होना चाहिए,
ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड में ये बन रहा है कैंडल, यहाँ से देखिए मार्केट का ट्रेंड नीचे है, ठीक है, और आप मार्केट में तब एंट्री ले सकते हैं। इसके अगले कैंडल का जो प्राइस जहाँ पे क्लोज होता है, अब यहाँ से मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल ने, यानी पिछले वाले कैंडल ने जहाँ पे हाई बनाया था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिट कीजिए जब तक कि आपको ट्रेंड रिवर्स होने का संकेत नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जो कि अप ट्रेंड में होना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये कि रेड कैंडल बनना चाहिए, और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, और चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि रेड वाले कैंडल का जो भी प्राइस होगा ग्रीन वाले कैंडल का 50% से नीचे जाके क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगला कैंडल यहाँ पे ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप, ठीक है। ये सब जो कैंडल है जैपनीज लोगों ने नाम रखा, नाम जो है ये सोच समझ के रखा है, ठीक है। ट्विजर का मतलब होता है चिमटा, यानी आपने देखा हो कि मम्मी सब जो रोटी वगैरह बनाते हैं, रोटी फुलाने के लिए जो चिमटा का यूज करता है, सेम उसी प्रकार से ट्विजर का काम होता है यहाँ पे ट्विजर में, ठीक है। क्योंकि जैपनीज लोगों ने कुछ नाम जो है सोच समझ के ही रखा है। तो यहाँ पे ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप इन दोनों का मतलब क्या होता है, यानी आपको ग्राफ में ये कैसे दिखेगा, ठीक है, और ट्विजर टॉप जो है ग्राफ में कैसे आपको बनते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्या है कि ट्विजर जो बॉटम होगा यहाँ पे, इसमें एक कंसेप्ट है कि ट्विजर जो बॉटम होगा ये ग्राफ के नीचे बनना चाहिए, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि ये कलर कोई मैटर नहीं कर सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्विजर जो है आपको 12 तरीके से बनते हुए दिखेगा, बट यहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप जो है सब ट्विजर को पहचान सकते हैं। इसमें एक एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जो भी ट्विजर बॉटम का जो भी लो होगा वो नीचे वाला जो लो है एकदम सेम रहना चाहिए, यानी नीचे वाला जो लो दिख रहा है वो सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो बड़ी बड़ी कैंडल लिया, ठीक है। ये मारुबुजू भी कैंडल हो सकता है, इसमें अगर बिक ना भी रहे तब पर भी ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है लो भी सेम लिया और यहाँ पे हाई भी इसका सेम लिया हूँ, ठीक है। ये नहीं भी हो हाई तो ये चलेगा, बट यहाँ पे मैं अगर इस तरह से कैंडल रहता है तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग संकेत है, ठीक है, यानी फुली कॉन्फिडेंस कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाएगा। बट इस तरह से अगर ग्राफ में नहीं रहता, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ कि ये बड़ी कैंडल अगर नहीं रहता है, यहाँ पे मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको ड्राइंग करने में यहाँ पे लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत होता है, डिजिटल बोर्ड रहता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एक कैंडल है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा कैंडल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये रहा मेरा दूसरा कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका जो बिक है इतना बड़ा है और नीचे का भी कितना बड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये देखना कि नीचे वाला जो लो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। ट्विजर का एक ही मतलब है, ट्विजर बॉटम का एक ही मतलब है कि एक ही कंसेप्ट है कि नीचे वाला जो बॉटम वाला नीचे वाला लो जो भाग है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। हाई ये जरूरी नहीं कि हाई भी सेम रहेगा, तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हाई भी सेम रहता है तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग संकेत हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी ध्यान देना है कि इसमें कि यहाँ पे मैंने जो है इसमें लो नहीं लिया है, ठीक है, बट अगर लो भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको यही कंसेप्ट क्लियर करना है कि नीचे वाला जो बॉटम वाला भाग है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये कलर कोई मैटर नहीं कर सकता है, ठीक है, ये कभी ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है पहला कैंडल, ठीक है। जरूरी नहीं कि पहला कैंडल रेड होना चाहिए तो ग्रीन होना चाहिए, ये कोई भी कलर में बन सकता है। बस एक ही कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि नीचे वाला जो बॉटम वाला भाग है, नीचे वाला लो भाग वो सेम रहता है तो आपके लिए वो ट्विजर बॉटम है, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ट्विजर टॉप में, यानी हाई जो भाग बना रहा है हाई कैंडल, ऊपर वाला भाग सेम रहना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक कैंडल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, ड्राइंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैंडल लिया, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ऊपर वाला जो हाई भाग है ये सेम रहना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे शेडो नीचे वाला कुछ भी है, थोड़ा सा भी है ज़्यादा भी है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है, कलर भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ट्विजर जो 12 तरीके से बन सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप सारे जो है कैंडल को पहचान देंगे और यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ट्विजर टॉप जो है ग्राफ में आपकी ओर बनती हुई दिखेगा, ठीक है, यानी ग्राफ के अप ट्रेंड में बनती हुई दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे ऊपर वाला हाई भाग ये सेम रहना चाहिए, नीचे ट्विजर बॉटम के लिए नीचे वाला भाग सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीक जो है नीचे वाला का वीक नहीं रहता है, पूरा एकदम मारुबुजू कैंडल रहता है, ठीक है, मारुबुजू के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मिल जाएगा, या तो सारे जो कैंडल के बारे में जितना भी कैंडल चार्ट का पैटर्न होता है जो भी मैंने वीडियो बनाए सारे आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मारुबुजू भी कैंडल रहता तो ये आपके लिए बेस्ट कैंडल हो सकता है, यानी आपको बेस्ट संकेत मिल सकता है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे जाने वाला है।
तो यहाँ पे आपको ग्राफ में कैसे बनते हुए दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप को आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ट्वीजर जो बॉटम है कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए ग्राफ के नीचे बन रहा है यानी डाउन ट्रेंड में बन रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ट्वीजर बॉटम जो है ग्राफ में नीचे बन रहा है। बट यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये कलर कोई मैटर नहीं कर सकता, यहाँ पे रेड है, वैसे अगर ग्रीन भी रहता तो कोई जरूरी नहीं था, ठीक है, कलर कोई मैटर नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन है, यहाँ पे रेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट यह कि लो जो है इसका सेम रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल का लो सेम है, ठीक है। तो मार्केट में आप एंट्री कहाँ ले सकते हैं, इस कैंडल ने जो भी हाई बनाया था यहाँ से मार्केट में एंट्री लीजिए, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल ने यानी पिछले वाले कैंडल ने जहाँ पे लो बनाया था यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, या तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। तब तक आप मार्केट में एंट्री लीजिए यानी प्रॉफिट कीजिए जब तक कि आपको ट्रेंड रिवर्स होने का संकेत नहीं मिल जाता, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कंसेप्ट ये है कि ट्विजर जो बॉटम होगा वो ग्राफ के नीचे बनता हुआ दिखेगा, और पहला जो कैंडल होगा वो बड़ी है या छोटी है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान देना है कि नीचे वाला जो लू है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि ट्विजर जो टॉप होता है वो ग्राफ में किस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्विजर टॉप जो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न में वो ग्राफ के अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा, यानी ग्राफ के ऊपर की ओर बनता हुआ दिखेगा, टॉप के ऊपर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ग्राफ के टॉप पे बन रहा है तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि पहला जो यानी इसका जो भी हाई है वो हाई सेम रहना चाहिए, ठीक है, यानी यही आपको देखना है, पहला रेड है या ग्रीन है इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ट्विजर जो 12 तरीके से बन सकता है और कलर भी कोई मैटर नहीं कर सकता है, चाहे रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, ठीक है। बस आपको एक ही इसमें कंसेप्ट ये ध्यान देना है कि अगर टॉप पे बन रहा है तो यहाँ पे आपको हाई ध्यान देना है, यानी हाई सेम रहना चाहिए, बट अगर बॉटम में बन रहा तो इसका लो सेम रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हाई सेम बन रहा है तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, और आप मार्केट में एंट्री इस कैंडल पे ले सकते हैं, यानी इस कैंडल ने जो भी लो बनाया था इसके अगले कैंडल का प्राइस जो भी इसने हाई बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल है तो हाई यहाँ पे इसका बनेगा, ठीक है, हाई यहाँ पे बनेगा इसका, तो इस कैंडल ने जो भी लो बनाया था जहाँ पे तो आप मार्केट में एंट्री यहाँ पे लीजिए, जो कि इस कैंडल का जो भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था यानी इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ऊपर था, ठीक है, बट यहाँ पे इसने लो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्केट में जो है एंट्री लीजिए, और तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं जब तक कि आपको ट्रेंड रिवर्स होने का संकेत नहीं होता है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल ने जहाँ पे इसने लो बनाया था यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको जो है पीआरसी लाइन डार्क क्लाउड कवर ये सब चीज़ के बारे में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। और पहले वाले जो एपिसोड था उसमें मैंने यहाँ पर बुलिश सरामी बेरी सरामी बुलिश सिंगल फिंग बेरी सिंगल फिंग और साथ ही साथ जो है बुलिश किकर एंड बेरिश किकर के बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है सारा जो टू कैंडलस्टिक का पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि तीन कैंडल या उससे ज़्यादा कैंडल मिलके फॉर्म कैसे करते हैं, यानी कैसे पैटर्न बनाते हैं, वो आगे वाले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 5 में हम बात करने वाले थे, ठीक है। तो अगर आपको आगे वाला भी एपिसोड देखना तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।